थोड़े दिन पहले मैं 3 साल के पीछे प्लान कर रहा था दोस्तों, ये बेनमाज हैं उनको मेंबर्स बनाते हैं मस्जिद में, तो उस रिलेटेड मेरे को बात करना था। तो बहुत लोग बोले तू इलम नहीं तेरे पास, तो कैसा करता कैसा होता, ऐसा कुछ बोले थे। तो इंशाल्लाह हमारे सामने हाफिज़ साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात करेंगे। UPC है अल्हम्दुलिल्लाह। सब नाम आपका? अस्सलाम मोहम्मद, वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा सिराजी, जी मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी माशाल्लाह, क्या कंप्लीट करें हमें सब इसमें कोर्स में? फाजिल 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 माशाल्लाह। कितने साल की इमामत और कितने साल स्टडी करें? अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल से ऊपर हो गया। जी जी इमामत पे सिर्फ कर्नाटक में 8 साल हुआ, तो मेरा बाकी और दूसरे जगह पे दूसरा मेरा एक मसला था अल्हम्दुलिल्लाह, और साथियों का भी मसला है अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम सिरफिया यूट्यूब चैनल है। जी जी। तो सबसे पहले दिल से आपका शुक्रिया आने के लिए, इस्तकबाल है आपका इंशाल्लाह हमारे चैनल में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप इमामत करें? मैं तो नहीं करे अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम होता मेरे से ज्यादा उसमें क्या आते हैं। मैं खाली जस्ट मैं नमाज को जाते शेम पे हमेशा देखता हूँ कि क्या चल रहा है, कभी ऐसा करते बोल के। तो आपका क्या कहना है हाफिज साहब, जैसा बेनमाज है उनको मेंबर्स बना देते, जैसा मुतल्ली हो सेक्रेटरी हो मेंबर बहरहाल जो भी लोग, तो आपका क्या इसके इसके लिए को क्या आपकी राय? माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सवाल है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। और मैं इंशाल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में जी जी इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी जी इरशाद साहब, पहली बात तो यह है कि जो मेंबर होते हैं जी, सदर हो सेक्रेटरी हो खजानची हो मस्जिद का हो मदरसे का हो, जी अल्हम्दुलिल्लाह बेनमाजी नहीं होना बनना चाहिए। जी माशाल्लाह। क्यों? जी जी। इसकी वजह क्या है? जी। जो अल्लाह के हक में चोरी करता है वो लोगों की भी हकूक में डाके डालेगा। जी जी। हक में चोरी करेगा। जी जी जी। इसलिए कभी भी बेनमाजी को जी मिंबर सदर सेक्रेटरी खजानची वगैरह नहीं बनाना चाहिए। जी जी। उससे बहुत बड़ा दीनी नुकसान भी है जी, और हर तरह से भी बहुत ज्यादा नुकसान है। जी जी जी। क्यों? इसकी वजह क्या है? सबसे पहले दलील क्या है? कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, वाकीमुस्सलात वला तकून मिल मुशरिकीन। जी। नमाज कायम करो, मुशरिकों में से मत बनो। अल्लाहू अकबर। जी। बहुत पॉइंट की बात अल्लाह ने कहा। जी। और कि मुशरिक, अब मुशरिक को जाहिर बात है मस्जिद का मुतवली बनाएंगे। जी। बेनमाजी मुशरिक है। जी। यहाँ तक कि बेनमाजी मुशरिक से भी गया गुजरा है। अल्लाहू अकबर। मुनाफिक है उससे भी बदतर। जी। उससे भी बुरा है। जी। तो जब जाहिर सी बात है इतनी सख्त वईद है उसके बारे में नमाज छोड़ने की कि बेनमाजी काफिर होता है, बेनमाजी मुशरिक है। अल्लाह अकबर। बेनमाजी काफिर, बेनमाजी मुशरिक है। जी। तो वो नमाजी जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, वो आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता जी, वो मुशरिक काफिर कहलाएगा। कुरान शरीयत क्या कहती है? कुरान क्या कहता? मुशरिक है वो जी। तो बेनमाजी को हम क्यों मस्जिद का सदर बनाए? वो बनेगा तो जाहिर सी बात है उल्टे सीधे काम करेगा वो। जी जी। इमामों को सता लेगा, मौजिन को सता लेगा, मस्जिद वालों को सताएगा, नहीं सुनेगा वो। जी, अपनी जी, मनमानी करेगा, जैसा चाहे होगा ऐसा करेगा। जब वो रब का नहीं सुनता है जी, रब के हुकूक में डाका डालता है, तो लोगों के हुकूक में तो और जो है डाका डालेगा वो। जी जी जी। कभी हो ही नहीं सकता है कि वो पूरा हक अदा कर दे। अक्सर हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी देखा जितने मस्जिद सदर इल्ला माशा एक दो कहीं मिले होंगे, वरना वही हाल है कि जो है पहले तो इमामों को सताते, मुअज्जिन को सता लेते, ऐसा है। नहीं, बीच में कैसा रोड़ी जो वहाँ बोले तो मुतल्लियों का उन्होंने हाफिज साहबों को बुला लेगा थे, उनके हक में दुआ करना, उनके पेरेंट्स के वास्ते दुआ करना, जो भी उनके बगैर उन्होंने आए नहीं पहले तुम्हें नमाज ये नहीं करना, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है हाफिज साहब? जो मुतवल्ली सर लोड रहता बहुत सुनिए, तो जरे हाफिजाओं को ऐसे देखी मैं मुतवल्ली को देख के डरते रहते लोग, ये जायज है क्या? नहीं डरना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुतवल्ली रिस्क का मालिक नहीं है। जी जी। मुतवल्ली एक इंसान है। जी जी जी। जो मस्जिद का मुतवल्ली होता है, खजानची होता है, सेक्रेटरी सदर होता है, जी माशा वो एक आम इंसान है। जी जी। उसकी क्या औकात है? जी। उसकी क्या हैसियत है कि उलमा का मुकाम जो है मुकाबला कर सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो रिस्क का मालिक नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, इन्नल्लाह वर्रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, रज़्ज़ाक है, रिस्क देने वाला है और क़ुव्वत वाला है वो। तो हमें मुतवल्ली सदर सिगरेट डरने की जरूरत नहीं, जो हक बात है मिंबर से बयान कर दे देंगे। जी जी जी। अब ये क्या है, कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां रहती हैं उलमाए कराम की जी, तो मजबूरी का फायदा उठा करके सदर सिगरेट सताना शुरू कर देते हैं। जी जी जी। खजानची लोग सताना शुरू कर देते हैं, पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे अगर जी, निकालना है जैसे किसी इमाम को, तो आज का जो रिवाज हो चुका है जी, 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 तो मुतवल्लियां क्या करते सदर, वो अब उनके खिलाफ रहता कोई बात। जी जी। अब वो इमाम बोलता उन्हें क्या सोचते, अब इसका तनख्वाह नहीं बढ़ा ऑटोमेटिक चले जाता, फिर या तो परेशान कर देते भगाने के लिए। ये दो ऑप्शन रखते हैं, है ना?
इससे गुना क्या हो सकता है उनको, इससे बहुत बड़ा नुकसान भी गुना भी। जी 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 ताकि सेक्रेटरी जो पैसे खाते मस्जिद की, वो लोग वीडियो देखते ना, उनके लिए क्या नसीहत है? इसकी मिसाल मैं देता हूँ। जी जी माशाल्लाह। मिसाल क्या? जी अंबिया जो थे जी, नबी और रसूल आए जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको सताने वाले मारने वाले कौन? काफिर मुशरिका थे। जी 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 काफिर थे, मुशरिक थे जी, है ना जी। अल्लाह के नबी को सताने वाले, जो आखिरी नबी आए, आखिरी पैगंबर आए जी, उनको सताने वाले कौन? मुशरिक और काफिर, मारने वाले काफिर, निकालने वाले काफिर। अल्लाह अकबर जी। तो ये कलमा पढ़ करके वही काम कर रहे हैं, मुशरिकों वाला काम, काफिरों वाला, मुनाफिकों वाला काम कर रहे हैं। जी जी जी। क्यों? ये अपने आप को बहुत ज्यादा इज्जत वाला समझते हैं, सदर बन गए, सिक्योरिटी बन गए, तो हम जो चाहें जो करें। अरे भाई, सदर सिक्योरिटी, पहली बात तो ये जाहिल रहते हैं जी। इनको मालूम नहीं उलमा के हुकूक क्या होते हैं, इमाम का क्या हक है, मुअज्जिन का क्या हक देना चाहिए, इनको पता नहीं है। अब अक्सर मुतवल्ली जितने मस्जिद के मुतवल्ली, सदर सिक्योरिटी जितने हैं, सब जाहिल रहते हैं। अब जाहिल रहेगा तो क्या होगा? इसीलिए उमर बिन खत्ताब ने जब अपने दौर में, अपनी खिलाफत के दौर में लोगों को ओहदा दिया जिम्मेदारी दी, तो किसी एक भी बेनमाजी को जिम्मेदार नहीं बनाया, किसी एक भी जाहिल को जिम्मेदार नहीं बनाया जी। क्यों? क्यों? जो अल्लाह के हक में चोरी करता, डाका डालता है, वो लोगों के हुकूक में तो जाहिर सी बात है डाका डालेगा, उसमें कोई शक ही नहीं है, बेशक। तो ये लोग पूरे जाहिला हैं जी। अब ये जाहिला समझते नहीं, ये समझते क्या, हम सगर सदर बन गए तो जो चाहें वो करें, सिक्योरिटी बन गए तो जो चाहें वो करें, मनमानी चलाते हैं मस्जिद में। और ये लोग क्यों चलाते हैं, उसकी वजह क्या है? घर में वहाँ नहीं चलता इनका। जी जी जी। घर में वहाँ जोर के पास नहीं चलता। जी जी जी। बीवी के साथ नहीं चलता, बच्चों के साथ नहीं चलता। यहाँ आकर के इमाम मुअज्जिन को जो है चलाते उनके ऊपर। जी जी जी। हाँ, तो जाहिर बात, जो मुअज्जिन जो मुअज्जिनों को सताते, जो इमामों को सताते, तो घर में जोर गुलाम रहते, तो वो आके के यहाँ जो है वही जहनीत रख करके इमाम के ऊपर ढकेल छोड़ते हैं, सता लेते हैं। अब अगर इमाम बद्दुआ दे दिया, मुअज्जिन बद्दुआ दे दिया, क्योंकि इमाम मजलूम होता है, सताया जाता है, मुअज्जिन मजलूम है, मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट जाती है। अल्लाह के नबी की हदीस है उसके बारे में कि मजलूम कोई भी हो, चाहे मुअज्जिन इमाम आम आदमी हो, कोई भी हो, मजलूम मजलूम होता है, अगर वो बद्दुआ कर दे तो डायरेक्ट अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाती है, रद्द नहीं होती है। जी जी माशाल्लाह जी। तो वही मैं भी बहुत दिन से वो फिक्र लेको था, कुछ करेंगे, मेरे को वीडियो बनाने में मेरे ख्याल से 3 साल लग गए, ये बेनमाज को मेम्बर नको बनाओ। इंशाल्लाह तुम्हें आज पूरी हुई, इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाफी साहब, इंशाल्लाह। टेक केयर एवरीवन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बेहतरीन वीडियो हाफी साहब के साथ मैं लाने की कोशिश करूँगा। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इंशाल्लाह डोंट मिस नमाज एवरीडे एवरीवन। टेक केयर।